चलो ध्यान देते हैं इधर, आप बातचीत अपनी बंद करो, हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दो, मार करवाने के। अभी हमने कल पढ़ा द्विघात समीकरण का विविक्तकर, विविक्तकर हमें कहाँ मिलता है? श्रीधराचार्य सूत्र के करणी में जो मान था वही विविक्तकर होता है, क्योंकि करणी के अंदर वाला मान ही बताता है कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, उसी से तो हमको पता चलता है। नहीं, बाहर वाला नहीं लेना है, जब हल करना होगा तब बाहर वाला लेंगे। जब हम तुमसे केवल मूलों की प्रकृति पूछेंगे तो केवल बी स्क्वायर माइनस क्या लेना है, 4ac लेना है। अब उसकी सहायता से हम कई सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला तो इससे तुमको पता कर सकते हैं मूल वास्तविक है कि नहीं, ठीक है। दूसरा इससे ये भी पता चल सकता है मूल वास्तविक है और समान है कि नहीं। तीसरा इससे ये पता चल सकता है कि मूल काल्पनिक है कि नहीं, समझ गए। और नंबर 4 इससे एक चीज और पता चल सकती है, यदि समीकरण में कोई मान अज्ञात दे दिया, कोई मान अज्ञात देने का मतलब जैसे अभी तुमने पढ़ा इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 8 ऐसे पढ़ा ना, इसको पता चला 8 को हटा के उसकी जगह क्या दे दिया, के दे दिया और बोल दिया इसके मूल वास्तविक और समान है, क्या है जी, इसके मूल वास्तविक और समान है, तो के की वैल्यू ज्ञात करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब इसकी सहायता से कहा गया मूल वास्तविक और क्या है, समान है। जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। इसका मतलब हम विविक्तकर का सूत्र लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू इसमें रख देंगे 0 और b तुम्हें पता है 5 का वर्ग और माइनस 4 × a x² के सामने 1 है और c का मान क्या है, k है, तो 4k इधर 5 का स्क्वायर, इसको अंतर कर दो, k की वैल्यू निकल जाए, निकलेगी नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब इससे हम किसी अज्ञात राशि का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं किसकी सहायता से, विविक्तकर की सहायता से। तो इस अभ्यास में लगभग सवाल उसी आधार पर होंगे, प्रारंभ में कुछ सवाल जो है सूत्र से हल करने के लिए होगा, क्योंकि नहीं 5 अभी इधर माइनस से, ये माइनस से इधर आएगा तो ये प्लस होगा, 4k = 25 रचेगा, इधर 0 का कौन मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब k बराबर 4 इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो k का मान 25/4 आएगा, अर्थात हाँ मूलों का अस्तित्व नहीं होने का मतलब मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक होने का मतलब विविक्तकर d क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, 0 से कम, 0 से कम अर्थात ऋणात्मक, लिखवा है ना उसको आगे, 0 से कम अर्थात ऋणात्मक, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ये ध्यान देना, और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कहां तक लिखे थे कल लेक्चर में, लिखवाए थे तो तीसरा नंबर लिखवाया ना, तीसरा नंबर लिखाने का तुरंत बंद कर दिए थे ना, कि मूल काल्पनिक होंगे तथा मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, उसी में आगे लिख लो, तथा मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, बस अब देखो इधर, अब हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं जिसमें हम लोग पहले मूलों की प्रकृति पता करेंगे, उसके बाद जैसे उसमें हमने k का मान निकाला उस तरह से कुछ सवालों में k की वैल्यू भी निकालेंगे। तो लिखो हाँ, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों में, हाँ नोट में, हाँ निम्नलिखित समीकरणों में मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समीकरणों में मूलों के
लक्षण ज्ञात कीजिए, मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, हो गया ना। पहला नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर इज इक्वल जीरो। दूसरा नंबर टू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस थ्री एक्स मत करो प्लस फोर एक्स करो इज इक्वल माइनस फोर। तीसरा नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह, माइनस बारह नहीं प्लस बारह करो बराबर जीरो। ये तीन सवाल हैं, इन तीनों को हमें हल करना है, हो गया। तो पहले से शुरुआत किया जाए, उतार लिए सवाल तीनों। केवल हमको इसमें मूलों का लक्षण बताना है, ध्यान से समझना, न कि मूल ज्ञात कर रहे हैं। जब कहा गया मूलों को ज्ञात कीजिए तब तो या तो इसका तुम गुणनखंड करो या तो सिद्धाचार्य सूत्र लगा दो, मान निकाल लो। लेकिन यहाँ पे हमको सिद्धाचार्य सूत्र या गुणनखंड सूत्र नहीं लगाना या पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगानी है, हमको केवल इसका विविक्त कर निकालना है। क्योंकि मूलों का लक्षण किससे पता चलेगा, विविक्त कर से पता चलेगा, मूल ज्ञात करने से नहीं पता चलेगा। मूल ज्ञात करने से भी पता कर सकते हैं, अगर मूल तुम्हारा वास्तविक आए तो ठीक है, बराबर आए तो भी ठीक है। अगर कारणी के अंदर माइनस आ गया तब क्या कहेंगे, काल्पनिक है। लेकिन उतना बड़ा निकालने की क्या जरूरत है जब केवल लक्षण बताना है। तो इसलिए हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। टी निकालने के लिए पहले इसको व्यापक रूप में बदलना होगा, बदल दो इसको व्यापक रूप में, है व्यापक रूप में, तो इसलिए इसकी तुलना किससे कराओगे जी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से ए बराबर बी बराबर सी बराबर, इसलिए क्या निकालेंगे जी, विविक्त कर निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिख रहा है ना। तो बी की वैल्यू नौ का वर्ग माइनस चार गुणा ए की वैल्यू तीन गुणा चार, अंडर रूट नहीं रहता है। चार किए बारह चौका अड़तालीस, इक्यासी में से अड़तालीस गया तो पैंतीस, जो कि जीरो से क्या है बड़ा है, अर्थात शून्य से क्या है जी बड़ा है, अर्थात कहे तो क्या है धनात्मक है, क्या है धनात्मक है। इसलिए समीकरण की मूल जीरो से बड़ा होने पर वास्तविक और समान होता है, है? वास्तविक और असमान होता है, क्या होता है जी, वास्तविक और असमान होंगे, ये इसके मूलों का लक्षण हो गया। माने तो डी निकालो, डी अगर पॉजिटिव है अर्थात प्लस चिन्ह आया इसके सामने, तो लिख दो वास्तविक और असमान। डी की वैल्यू अगर आ गई जीरो तब लिखो वास्तविक और समान, और अगर डी की वैल्यू आ गई माइनस में तब लिखोगे काल्पनिक, हो जाएगा। नोट कर लो इसको, मैं उसी किताब में देख लेते, चलो ध्यान दो जरा। दूसरा वाला समीकरण देखा जाए, दूसरा समीकरण क्या कह रहा था, ध्यान से देखो इधर, ये कुछ इस प्रकार का समीकरण है। सबसे पहले तो इसे व्यापक रूप में बदलना होगा, क्या व्यापक रूप में है ये नहीं है, तो उसको पकड़ के इधर लाना होगा। चार नहीं लिख पाए,
तकड़ी के नीचे पहले लिखवाए ना कि जब उसका श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं जब विविधकर लिखवाए उसके अंदर पहले यही शुरू किया है ना, क्या लिखे हैं? अरे लक्षण नहीं, उसके ऊपर जहाँ पे लिखे हैं द्विघात समीकरण का विविधकर जो बताए हैं, विविधकर में क्या लिखवाए हैं? हाँ, तो चूंकि द्विघात समीकरण को हल करने का श्रीधराचार्य सूत्र बताए हैं ना, और श्रीधराचार्य सूत्र कब काम करता है? जब समीकरण व्यापक रूप में होगा तब इनडायरेक्ट रूप से लिखवाए, डायरेक्ट नहीं लिखवाए। चलो देखो, वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इसे व्यापक रूप में बदलना ही है, क्योंकि तुलना से हमको एबीसी निकालना है ना, तो एबीसी कब तक नहीं निकलेगा जब तक ये व्यापक रूप में नहीं होगा। तो इसकी तुलना कराओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से तुलना, ध्यान से देखना, a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 4 हो गया ना। अरे माइनस फिर आके प्लस हो गया, हाँ माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। विविक्त का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, तो बी का मान 4 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 गुणा, अरे तो उल्टा पुल्टा हो गया। सवाल बदल लो, यहाँ 4 से इसको 2 कर लो, कितना कर लो 2, इसको भी 2 कर लो, नहीं 2 कर लो 2, अरे 4 करने ज्यादा हो जा रहा है, नहीं लेंगे ना माइनस बताए, माइनस बताए, तो 16 माइनस कितना है 16 बराबर 0, अर्थात क्या है 0 है ना, तो इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, हो गया, ये चीज को ध्यान देना, तो इस तरह से लगेगा, नोट करो इसको, 4 को बदल के हमने 2 कर लिया, 0 बनाना था उसको, इसलिए अभी 3 सवाल बोले तो तीनों अलग अलग प्रकृति का बोले ना, तीसरा जो तुम्हारा आएगा वो काल्पनिक आएगा, अभी इसी में काल्पनिक आया था, तीसरा भी काल्पनिक आता, 0 वाला नहीं कर पाते, गलत हो गया, तुम जानो काहे पहले छापे हो, नहीं पहले से नहीं छापना, चलो ध्यान देते हैं सवाल नंबर 3 पे, तीसरा सवाल क्या दिया है, अब ध्यान दो इधर, अपने व्यस्त मत रहो, इसकी तुलना कराओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, a बराबर x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो क्या है, b बराबर x के सामने कुछ नहीं तो क्या है, और c बराबर 12, इसलिए विविक्त कर b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 12, अर्थात 1 माइनस 48 कितना आया जी, जो क्या है ऋणात्मक है, इसलिए समीकरण के मूल क्या होंगे जी, काल्पनिक होंगे, नोट कर लो, अब अगला एग्जाम्पल लिखो,
अगला एग्जाम्पल नोट में ही लिखना है। देखो, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक तथा समान हो, मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करो। ये पहला वाला है के पार फाइव, राइट, मैंने पता नहीं। और ये दूसरा वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस आठ बराबर जीरो, और ये वाला है दो एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस के बराबर जी, ना? अब आगे ध्यान से देखो, इसकी तुलना कराओगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना हो गया। ए बराबर देखो जी एक्स स्क्वायर के सामने क्या मिला, और बी बराबर एक्स के सामने माइनस पांच मिला, और सी बराबर के मिला। ध्यान देना, सी की जगह के दिख रहा है, यहाँ पे सी है तो ऊपर क्या है, के है, हो गया ना। अब पहले शर्त लिख लो, क्योंकि मूल वास्तविक और क्या है, समान है, इसलिए डी बराबर, अब क्योंकि तुम d बराबर सूत्र क्या जानते हो, इसकी जगह रख सकते हो ना b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इसके बराबर क्या, कौन गलती, मतलब पहले शर्त लिख दो, फिर उसमें d का सूत्र लिखो, और बराबर क्या रखो, जीरो। अब इसमें मान रखना प्रारंभ करो, b का मान रखोगे पहले माइनस पांच का वर्ग माइनस चार गुणा a का मान दो, और इसका गुणा बराबर जीरो, 25 माइनस 8 के बराबर जीरो, कोई गलती, तो 25 बराबर 8 के, 8 इधर गुणा में है ना, भाग में चला आएगा, 25 बटे 8 बराबर के आ गया, आया। तो ये प्रकार से इसको हल कर रहे हैं, बताएगा तो सौरभ में लिखा पड़ेगा, पच्चीस नहीं ले रहे हैं, आठ में को उधर ले रहे हैं, इधर ये माइनस था, इसको उधर लेके चले गए, पच्चीस को उधर ले आ, तो माइनस हो जाता, दोनों तरफ माइनस माइनस, तभी तो माइनस माइनस कट जाता, बात वही होती, समझ गए, जैसे भी कर लो आंसर वही आएगा, हो गया ना। ऐसे ही अगला वाला सवाल देखो यहाँ भी तुलना कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना, फिर ध्यान से देखो, ए बराबर इस बार क्या मिला, बी बराबर, इस बार बी बराबर ए के मिल गया, सी बराबर आठ, इस बार आठ दिख रहा है, प्लस में है आठ। अब देखो फिर यहाँ भी वही, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है, ऐसा सवाल ने बोला, हमने नहीं बोला, ध्यान दिए ना, वास्तविक और समान है, इसलिए d बराबर जी। अब क्योंकि तुम d बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, रख देंगे इसको इसकी जगह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, जब भी मूल वास्तविक और समान लेता है d बराबर जीरो करके उसका सूत्र लिख दिया करो,
जाएगा, ध्यान दिए रखना। b की वैल्यू इस बार है k, k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 8 बराबर k स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0, k स्क्वायर बराबर, तो k स्क्वायर बराबर k बराबर ही करणी में 64, 64 किसका वर्ग है, लेकिन वर्गमूल निकालते समय सामने प्लस माइनस लगता है, इसका मतलब प्लस 8 रखोगे तभी मूल वास्तविक और समान होंगे, माइनस 8 रखोगे तभी मूल वास्तविक और समान होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच वाले का वर्ग होता है ना, प्लस का वर्ग करो तभी प्लस, माइनस का वर्ग करो तभी प्लस, हर स्थिति में वो प्लस ही होगा। और 8 का वर्ग 64, 64 माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 आता है तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं, समान होते हैं, हो जाएगा ना। ये प्रकार से सवाल को हल करना है, छाप लो जल्दी। आप लोग इस अभ्यास का नोट समाप्त हो गया है। पहले चलो ध्यान देते हैं यार। मन की मर्जी से ना, पहले एक आता है प्रश्नावली 4, सवाल नंबर 1, ध्यान से देखो। समीकरण दिया 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। अभी इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल नंबर 1 से 5 तक को सूत्र के द्वारा हल करना है। सूत्र वही श्रीधराचार्य सूत्र जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसी से हल करना है। इसका मतलब बात मत करो, नहीं धो देंगे अभी तुम लोग को हम। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, जिसको आ रहा हो अपने आप को आर्यभट्ट मत समझो, ध्यान दे रहा ना। a बराबर 2, b बराबर 14, c बराबर 9, हो गया। तो इसलिए सूत्र से, अब सूत्र से यहाँ पे विविधकर का सूत्र नहीं लगाना है, मूल का लक्षण थोड़ी पता करना है, उनको विविधकर का सूत्र लगा दे। हमने तुमसे कहा मूल निकालो, मतलब मूल ही निकालना है, मूल के लिए हमारे पास वही सूत्र है, कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 480 अपॉन 2a। तो माइनस बी अर्थात माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणा 9 बटे 2a, माइनस 14 प्लस माइनस ये कमान रख दे दो, 14 का वर्ग 196 माइनस 4 गुणी 8 नवा 72 बटे 4 के बराबर, देखो माइनस 14 प्लस माइनस इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 124 बटे 4 कितना होता है, 21 बार में आता है। तो ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे माइनस 14 प्लस माइनस 4 गुणा 31 लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे जी, 4 गुणा 31, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 31 में 4 का गुणा करने पे 124 आता है, और 4 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, समझ गए। अब ये काम मत करना कि इसको 4 से 2 दूनी काट दो और 2 सत्ते काट दो, यहीं पे तुरंत गलत होगा सवाल, नहीं 4 रखने का कारण ये है 4 2 का वर्ग होता है, समझ गए, हाँ ऐसे गुणनफल में तोड़ते हैं जिसमें एक वर्ग बन जाए, क्योंकि जब तक वर्ग नहीं बनेगा तब तक करणी से बाहर नहीं निकलेगा। वैसे 124 के बारे में हमको पता है किसी का वर्ग नहीं है, उसी पे छोड़ दे तो सवाल कोई गलत नहीं है, लेकिन हम सवाल को सरलतम रूप में लाते हैं, किस में लाते हैं, सरलतम रूप में, बटे कितना है यहाँ पे 4, तो ध्यान से देखो माइनस 14 प्लस माइनस, करणी के अंदर अगर वर्ग संख्या होती है तो वो करणी से बाहर निकल जाती है, इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 करणी से बाहर निकल जाएगा, और करणी में कौन बचेगा 31, क्योंकि करणी में 4 बराबर कितना होता है जी, 2 होता है, हो गया ना।
उसके बाद अब देखो और नीचे क्या बचा हुआ है, एक काम करो 2 × 14 होता है ना, मतलब इसमें से तुम 2 कॉमन कर सकते हो, तो -7 और +-2 भी निकल चुका है, केवल करणी 31 बचा ना, बटे 4 दो दुनी। तो अब देखो ये आया f की वैल्यू, एक बार लिया जाएगा प्लस लेने पर, क्या लेने पर जी, तो f बराबर प्लस लेंगे तो -7 प्लस करणी में 31 और बटे क्या 2, और फिर माइनस लेने पर तो f बराबर -7 माइनस करणी में 31 बटे 2। ये f का दूसरा मान है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये प्रकाश से निकलेगा, नोट कर लो, नोट कर लो, बाकी चीजें होंगी कल।